अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता बृहस्पति देवतनि रौद्रो देवता वरुणो देवता ओम जाहु शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ष्टादिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे असिनन्नाहुरं वेतन्ते देव सवितुर्यज्ञं प्राहुर्भवति तेन यज्ञमवतेन यज्ञपति तेन मामवमनो राजा दानव महाबला ले आओ ले पाइप ले आओ 200 छोड़ छोड़ सालों सालों हेलो ओए ओए यात् सिप्तं पूजतो या सुरभि सर्वविघ्नौषधे तस्मै श्रीगणाधिपत्ये नमः ओं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कॉलेज ग्राउंड में जिसको यात्रा के दौरान यात्रा ग्राउंड कहते हैं, यहाँ पर त्रिशूल होता है। ये नवग्रह मंदिर अचोट से लाया जाता है और आपने देखा होगा आज किस तरह से पूरी यूथ में माताओं ने बहनों ने किस तरह वहाँ सत्संग किया, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, हर कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने कितना तावन किया, किसी साहब खुद आए अच्छे से कितना पार्टिसिपेट किया सारा देखा और फाइल चेक लाई के CEO साहब आए। तो हम पूरे पुंछ को मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो हर बार जो इस यात्राएं फेस्टिवल्स जो हर कम्युनिटी के होते हैं वहाँ पहुँच कर एक मैसेज पूरे विश्व में देती हैं कि जो कंपोजिट कल्चर का और जो गुलदस्ते का वो लोगों ने इस मिसाल को बरकरार किया। आप देख रहे हो श्री गुड़ेमना जी की जो यात्रा जो वो 18 अगस्त से शुरू होने जा रही है उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे उसका शुभारंभ करने के लिए आज यहाँ पे एक भव्य त्रिशूल यात्रा निकाली गई है जो हमने कि शेरे पूंछ श्री इशपाल शर्मा जी के याद में निकाली है, क्योंकि शेरे पूंछ श्री इशपाल शर्मा जी का इस यात्रा के लिए बहुत बड़ा योगदान था, उनका बहुत अथक योगदान था इस यात्रा में, उन्होंने अपना सर्वस्व दिया और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए वो पिछले 20 सालों से उन्होंने अपना योगदान दिया था। पिछले साल उनका स्वर्गवास हो गया और उसकी उनकी याद के उपलक्ष्य में हमने यहाँ से नवग्रह मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली गई है जो आप देख रहे हो समय यहाँ ग्राउंड में आई है, कितने भव्य स्वरूप में लाई गई है। और ये जो त्रिशूल वहाँ से आया है नवग्रह मंदिर से आया है इसकी यहाँ से भी पूर्व अभी यहाँ पे स्थापना की जाएगी यहाँ ग्राउंड में, और परसों जो भी श्रद्धालुओं का जो जत्था पूरे भारतवर्ष से आ रहा है वो भी इस त्रिशूल का दर्शन करेगा और यहाँ नतमस्तक होगा। आज हमने ये प्रार्थना की कि जो हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा बजरंग दल विशुद्ध परिषद की ओर से होने जा रही है जिसमें हमें प्रशासन ने पूरा 100% सहयोग दिया है, चाहे हमारा लोकल प्रशासन हो चाहे वो हमारा UT प्रशासन हो, उन्होंने यात्रियों की फैसिलिटी के लिए हर तरह के इंतजाम किए और ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, हम उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हम आज इस मॉडल में गए हैं, प्रत्येक वर्ष की बात की इस वर्ष भी जो यात्रा का आयोजन किया गया है, कल यात्रा परसों यात्रा का पहला जत्था आएगा, कल वहाँ पे जम्मू में उद्घाटन किया जाएगा। तो ये एकता यात्रा जो है ये समस्त भारत को जोड़ती है, समस्त भारत के लोग यहाँ पर आते हैं तो और यहाँ के लोग बिना मजबूत मिलत यात्रा का स्वागत करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो
है पूरे भारतवर्ष में जाता है एकता और भाईचारे का। तो आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ त्रिशूल यात्रा निकाली गई, जो कि यशपाल शर्मा जी की याद में त्रिशूल यात्रा निकाली जा रही है पिछले दो तीन साल से। तो यात्रा जो है ग्राउंड में पहुँच चुकी है, सभी लोगों ने मिल करके यात्रा का स्वागत किया है और त्रिशूल की स्थापना हो चुकी है। तो आगे का कार्यक्रम अगले दिनों